तो स्वागत है डे ऑफ डायरी के पहले पहले भाग में। अब पहला पार्ट है, मतलब डे ऑफ डायरी फर्स्ट। तो इसमें पहले तो मैं क्या बोलते हैं स्टार्टिंग का, पहले सुबह सुबह स्टार्टिंग सुबह से करते। जब उठा था मैं तो सुबह 5:01 पे मेरा अलार्म बजता है, तो मैं उठ जाता हूँ 5:01 पे अलार्म जो बजता है। तो उसके बाद मैं बंद कर देता अलार्म। अलार्म जब बंद कर देता तो 5:05 पे दोबारा अलार्म बजता है। तो उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। उठ के मैं पहले अलार्म बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर उठ के 10 सेकेंड तक थोड़ा रुका रहा, उठ के मतलब थोड़ा सा बैठ जाता हूँ। फिर 10 सेकेंड बाद बाहर उठ के जाता हूँ। बाहर जाता हूँ तो एक गिलास पानी पीता हूँ। फिर वही 10-15 सेकेंड फिर बैठता हूँ। फिर इसके बाद बैठने के बाद फिर फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर मैं तैयार होता हूँ। जब सुबह जाना होता वॉक पे तो लोअर और टी शर्ट जूते पहन के तैयार हो जाता हूँ। फिर निकल जाता हूँ। फिर घर से निकलते ही 5 मिनट की दूरी पे जो वीडियो बनानी होती है वो रास्ते भर बनाता हूँ। ऐसे बनाते बनाते वीडियो तो मैं पहुँच जाता हूँ अपने जहाँ से एक्सरसाइज करते हैं। फिर वहाँ एक्सरसाइज शुरू करता हूँ, मतलब अलग अलग एक्सरसाइज, पुशअप करता हूँ, सपाटे मारता हूँ और पुलअप्स नहीं करता। उसमें अलग अलग होता है, थोड़ी सी फिटनेस मतलब स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, थोड़ी सी मिक्स कर लेता हूँ। वो करने के बाद फिर आखिरी में मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद आधा घंटा तक वहाँ रेस्ट करता हूँ। इसके बाद उठ देता हूँ, फिर चलाता हूँ। फिर रास्ते पर जो वीडियो बनानी होती है वो बना लेता हूँ। फिर इसके बाद धीरे धीरे फिर घर आता हूँ। घर आता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ 5-10 मिनट। इसके बाद नहाता हूँ। नहाने के बाद अगर वो क्या बोलते से केले पड़े हो तो उसका दूध के साथ शेक बना के पी लेता हूँ। नहीं तो पहले केले लाता हूँ, फिर उसके बाद शेक बनाता हूँ। शेक बनाने के बाद पी लेता हूँ। पीने के बाद तो आधे घंटे बाद फिर खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद फिर टीवी चला लेता हूँ मैं। फिर 10 मतलब 9-9:30 हो जाती है, 10 मतलब 10 बज जाती है अभी। उसके बाद फिर मैं चला लेता हूँ टीवी, मतलब कुछ देख लेता हूँ, 1 या 1.5 घंटा उसमें बिता लेता हूँ। फिर इसको करने के बाद फिर फ़ोन उठाता हूँ लगभग 12 बजे तक। 12 बजे फ़ोन उठाता हूँ, नेट ऑन करता हूँ, उस टाइम चलाता हूँ। जो चलाना होता है 1 घंटे या 1.5 घंटे, ज़्यादा नहीं चलाता वो, आधे घंटे बड़ी मुश्किल से चलाता हूँ। यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम बिताता हूँ मैं। उसे चलाने के बाद फिर मन करता है जो पढ़ना होता है वो पढ़ लेता हूँ, जो मन करता है मैं वही करता हूँ। तो ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम पर टाइम नहीं बिताता, जो मन करता है उस पर मैं बिता लेता हूँ। फिर इसके बाद 2 या 2 मतलब 1:30 हो जाती है। फिर मैं दोबारा खाना खाना होता है, फिर दोबारा खाना खा लेता हूँ। फिर उस टाइम टीवी देखता हूँ, 2 या 4 बज जाती है। फिर मैं बाहर चला जाता हूँ एक दोस्त के घर, वहाँ जाता हूँ। वहाँ मैक्सिमम 1-1.5 घंटे में बिताता हूँ। वहाँ अच्छा लगता है बैठ के, वहाँ बातचीत करते हैं, अपना कुछ भी करते हैं, सही बातचीत हो जाती है, मज़ा आता है उसमें। तो वहाँ मैक्सिमम 4 बजे जाता हूँ, तो 5:30 तक आ जाता हूँ, मतलब 6 बजने से पहले आ जाता हूँ। क्योंकि 6 बजे यहाँ बैठ के मुझे वीडियो बनानी होती है, तो मैं सिर्फ वहाँ 5:30 तक टाइम बिताता हूँ। कुछ भी बातचीत हो, कोई सवाल जवाब हो, वहीं बैठ के अपना कर लेते हैं। कुछ चेस चूस खेलना हो तो भी खेल लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से उठ के 5:30 6 मतलब 6 बजे से पहले वहाँ से उठ के चलाता हूँ। उठ के आता हूँ, फिर यहाँ छत पे आ जाता हूँ, टेरिस पे। टेरिस पे आ गए फिर यहाँ थोड़ी बहुत जो आखिरी व्लॉग बनाना होता है, मन करता है तो बनाता हूँ, नहीं तो नहीं बनाता, तो वो बना लेता हूँ। तो इसके बाद 6 मतलब 7 6 से 7 तक यहीं रहता हूँ। इसके बाद चला जाता हूँ, फिर 7 बजे से मुझे पढ़ना होता है। फिर वहाँ जाता हूँ, मैक्सिमम 3 घंटे लगाना पड़ते हैं पढ़ने में, 3 घंटे लगाता हूँ 7 बजे से 10 बजे तक। कभी कभार आधा घंटा कम रह जाता है, पर कोशिश करता हूँ कि 3 घंटे पूरे बिता दूँ। वो 3 घंटे बिताने के बाद वही फिर खाना आ जाता है, खाना ले लेता हूँ, खाना खाता हूँ। 10-10:30 बज जाती खाना खाते खाते। फिर इसके बाद फिर रेस्ट करता हूँ, फिर अपना बेड पे जाता हूँ, आराम करता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ। फ़ोन क्या, वीडियो भी एडिट करनी होती है,
फिर वीडियो एडिट करता हूँ, फिर उसको अपलोड में डाल देता हूँ। फिर अपलोड में डाल के जितना टाइम बचता है 10:30-11 बजे तक बन जाती वीडियो, आधा घंटा लगता है एडिट करने में। इसके बाद उसको अपलोड कर देता हूँ फिर उसको छोड़ देता हूँ। फिर जितना मतलब 11 से 12 के बीच में जितना भी टाइम ले उतने में अपलोड हो जाती मेरी वीडियो, तो आधा घंटा लग जाता, उससे भी ज़्यादा लग जाता। तब तक मैं कुछ चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ फिर आधे घंटे के लिए सोने से पहले, और 11:30 तक फिर मैं बंद कर देता हूँ। सोने से पहले आधा घंटा पहले मैं अपना सब कुछ मतलब वो अपलोड होती रहती वीडियो, बाकी मैं बंद करके रख देता हूँ साइड में। फिर थोड़ी देर ऐसे रेस्ट करूँगा मतलब 5 मिनट मैक्सिमम बिना फ़ोन के। फिर इसके बाद फ़ोन पे लगा दूँगा अलार्म, जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी पूरी होगी तो इसके बाद मैं अलार्म लगा दूँगा 5:01 पे, तो फिर अपना ऑफ़ कर दूँगा, फिर नेट बंद कर दूँगा, फिर इसके बाद साइड में रख दूँगा फ़ोन, इसके बाद फिर सोने चला जाऊँगा। तो यही था पूरे दिन का। तो ये पहली वीडियो थी मेरी डे ऑफ डायरी फर्स्ट। तो ऐसी वीडियो रोज़ बनाता रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है मतलब अलग ट्राई कर रहा कि ऐसे शेयर करने के लिए, पता नहीं क्या होगा, पर मन कर रहा था फिर मैंने अपलोड कर दी मतलब बना दी, अब अपलोड भी कर दूँगा तो ऐसे ही बनाऊँगा, इतने तो बनेगी। अब मन कर रहा मेरा, मैं तो बनाऊँगा भाई, दूसरों को बुरा लगे चाहे जो लगे, मेरा क्या जाता, मेरा तो मन कर रहा है यही बनाने का, तो मैं यही बनाऊँगा। तो आज की कहानी के लिए इतना ही, अगली कहानी कल देखेंगे। See you and take care. Bye bye.